हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक फिर से नए वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अभ्यास है सैंपल प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा 2022-23 गणित मैथमेटिक्स। तो जो आपका पेपर होगा ये दो वर्जन में होगा, हिंदी एंड इंग्लिश। तो जो आपका पूर्णांक दिया जाएगा 75 अंक का, जो टाइम दिया जाएगा वो आपका 3 घंटे का होगा। और यहाँ पर आपको निर्देशांक दिया है, तो आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें एवं मित्रों को अपने शेयर करें। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपका सही जवाब होगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, 26 और 99 का एलसीएफ होगा, तो आपका सही जवाब होगा। तो आप लोग निकाल भी सकते हैं पेपर में, तो इसका 13 होगा, तो आप लोग लिख लीजिएगा ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद एक्स प्लस बी या बी का शून्यक होगा, तो आपका सही जवाब होगा सी नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ए वन बटे ए टू स्क्वल टू बी वन बटे बी टू नॉट स्क्वल टू सी वन बटे सी टू हो, तो रैखिक समीकरण का युग्म ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन स्क्वल टू जीरो तथा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू स्क्वल टू जीरो। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी 2712 बिंदी बिंदी का सर्वांतर है, तो आपका सही जवाब यह नंबर होगा 5। तो यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बिंदु पी से हो केंद्र वाले वृत्त पर पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं परस्पर 180 अंश के कोण पर झुकी हो, तो कोण पी ओ ए बराबर है, तो आपका सही जवाब होगा ए नंबर 50 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है, तो आपका सही जवाब होगा डी नंबर 16:81। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तो स्टूडेंट इंग्लिश से हैं, तो वो जैसे क्रम से हमें ऊपर की ओर कराए हुए हैं हिंदी मीडियम में, तो सेम उसी तरह आप लोग कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी बिंदी बिंदी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो आप इसका सही जवाब लिखेंगे समबाहु त्रिभुज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी बिंदी बिंदी कहलाती है, तो आपका सही आंसर लिखेंगे यक्ष निर्देशांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान हो, तो सूर्य का उन्नयन कोण बिंदी बिंदी होगा, तो 45 डिग्री का होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वृत्त के 3 मापकों का संबंध है, बहुलक स्कल टू 3 माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि का सूत्र बिंदी बिंदी है, तो आप लोगों को मालूम भी होगा, तो इसका आप सही जवाब लिखेंगे 2πr। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव बिंदी बिंदी होती है, तो 0 होती है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो जिस प्रकार हम ऊपर यहाँ पर कराए हुए हैं, सेम टू सेम आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले भी छात्र कर लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर 3 है, सही जोड़ी बनाइए। तो आप लोगों को मैं मिलान कर दे रहा हूँ, तो पहले का होगा एफ नंबर, दूसरे का होगा साइन थीटा, टेन थीटा का होगा जी नंबर, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, तो 4 को आप बी नंबर से मिला लेंगे, तो मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण मानक रूप, इसका आप ए नंबर से मिलान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघाती समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, तो आप लोगों को सी नंबर से कर लेना है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो स्टूडेंट इंग्लिश वर्जन से होंगे, तो सेम जैसे ऊपर की ओर हम मिलान के कराए हुए हैं, तो आप लोग सेम उसी तरह कर लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, तो आप लोग कर लीजिएगा। किसी एपी के प्रथम एन पदों का योगफल का सूत्र लिखिए, तो आप लोग लिखेंगे। तो आप लोगों को मैं स्क्रीन पर शो करा दे रहा हूँ आपका आंसर। तो SN बराबर
एन एन प्लस वन कोष्टक बंद बटे टू। तो आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी लिखिए। तो आप लोग लिख लीजिएगा, तो हम लिखवा भी दे रहे हैं, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन कोष्टक बंद स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन स्क्वायर। तो आप लोग यहां से देख लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। तो आप लोगों को मैं बोल दे रहा हूँ, तो आप लोग लिख लीजिएगा दृष्टि रेखा की जो डिफिनेशन है। तो दृष्टि रेखा, रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। तो आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा वीडियो को बैक करके, अगर आप लोग नहीं लिख पाए होंगे तो। क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो आप लोग आंसर लिखेंगे, दो स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। तो जवाब लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलन का आयतन का सूत्र लिखिए। तो आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। तो जो स्टूडेंट इंग्लिश से होंगे तो आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में सत्य सत्य लिखिए। तो आप लोग लिख लीजिए, अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो ये असत्य है। तो आप लोग यहाँ से असत्य लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2, 4, 6, 8 एंड सुवन समांतर श्रेणी है। तो इसको आप सही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये रोंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं -4, 6 एवं 4, -6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 0, 0 हैं। तो इसका सही नहीं होगा, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलन का वृत्त पृष्ठ 2πr(h) होता है। तो इसका सही जवाब लिखेंगे, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है। तो ये रॉन्ग हुआ है। तो यहाँ से आप लोग गलत कर लीजिएगा। तो जो स्टूडेंट इंग्लिश वर्जन से होंगे तो सेम इसी तरह आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा, जैसे कि हम करा दे रहे हैं यहाँ पर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8 और 9 और 25 का यश एक ज्ञात कीजिए। तो आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा, जैसे कि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पार्ट 1 से ही है क्लास 10th का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, तो आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x+7x+10 के शून्य एक ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रश्न ये परीक्षा में आने की संभावना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो आप लोग यहाँ से ये दोनों सब कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो ये भी बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा। और ये भी बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आप लोग कर लीजिएगा। तो आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ, आपके क्वेश्चन का PDF हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दिए हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए, तो आप लोग इसके तो आप लोग कॉपी में रिपीट कर लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको सही से वीडियो ना दिख रही हो, अपनी वीडियो की हाई क्वालिटी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग पूरे क्वेश्चन को कर लीजिएगा, और आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका PDF भी प्रोवाइड करा देंगे। तो ये आपके लिए बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये आपके लिए बहुत बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो सबसे ज़्यादा है, फिर ये भी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये देख रहे हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों को परीक्षा में आने के लिए संभावना है। तो आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन नंबर 20 है। और यहाँ से जो है, रैखिक समीकरण के युग्म बदलकर हल कीजिए। तो ये भी आपके लिए बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और जो ये भी है तो ये भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है तो यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें एवं मित्रों को शेयर करें। थैंक यू।